टाइम स्पीड स्टेशन कौन देखेगा, वो जिसको भाई पढ़ना है वही तो देखेगा। गांव पान खाने वाला घुटके खाने वाला थोड़ी देखेगा इसको, उसे क्या मजा आएगा इसमें। चलिए हो गया लाइफ साइड। चलिए बच्चों तो स्टार्ट करते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस। आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। रीजन इसका ये है बच्चों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि भाई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत टफ होता है। तो आप लोगों ने प्रॉब्लम ऑन एजेस भी पढ़ लिया होगा मुझसे, और टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड वर्क पाइपलाइन सिस्टम भी पढ़ लिया होगा। अगर दोनों चैप्टर्स आपने कवर कर लिए हमारे वीडियो से तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अगर आप सही अप्रोच रखें तो डेफिनेटली आप सही कर सकते हैं और अच्छा से बना सकते हैं। क्लॉक भी मैंने कवर किया है और आपका कैलेंडर भी कवर किया है। एक बार इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। मैं स्टार्ट करता हूँ 2 मिनट में। टाइम स्पीड डिस्टेंस, देखिए बच्चों टाइम स्पीड डिस्टेंस इस चैप्टर में जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, राइट, आप इसको बचपन में पढ़े होंगे क्लास 7th या 8th में, राइट, 6th में भी पढ़ सकते हो। टाइम मतलब समय, स्पीड मतलब चाल, और डिस्टेंस मतलब दूरी, चाल समय दूरी पढ़े होंगे, राइट। इस चैप्टर पे बेस्ड 3 तरीके की प्रॉब्लम आती है, 3 types of problems। द फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक कंसेप्ट, मतलब कोई पर्सन कहीं जा रहा है, कोई दूसरा आ रहा है, इससे रिलेटेड, राइट। दूसरा जो रहेगा बेटा वो रहता है रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड। रिलेटिव स्पीड मतलब जब दो लोग एक ही डायरेक्शन में चलते हैं या दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं। अब वो दो लोग में ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो जो रिलेटिव स्पीड से है उसके 2 तरीके के प्रॉब्लम बनते हैं, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स और प्रॉब्लम ऑन बोट्स। तो वो भी इसी से मिलता जुलता चैप्टर है, राइट। तो हम लोग पूरा कवर करेंगे, पूरा टाइम स्पीड डिस्टेंस का जो पार्ट है वो कवर कर रहे होंगे 2 से 3 लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस। यस, गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। तो सबसे पहले तो यार हम लोगों को 3 फॉर्मूले सीखने होंगे, और मैं आपको पूरा चैप्टर यानी 3 फॉर्मूले से सिखा दूंगा, राइट। टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा और आप सिर्फ 3 फॉर्मूले सीख के ही पूरे चैप्टर को सॉल्व कर सकते हो। बट फिर भी कॉम्पिटेटिव का जमाना है तो मैं आपको 1-2 शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा साथ ही साथ, ठीक है, ताकि अगर कुछ सेम पैटर्न के प्रॉब्लम आए तो आप कुछ सेकेंड्स में खत्म कर दें। अदरवाइज अगर मैं प्रॉपर कंसेप्ट से सॉल्व करूँ तो भी हमें 1 मिनट से ज़्यादा तो लगेगा ही नहीं, 30-35-40 सेकेंड में हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे हम आपको जिस अप्रोच से समझाएंगे। तो आपको अप्रोच पहली समझनी है क्या, आपको फॉर्मूले याद कर लेने हैं बच्चों। तो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम इक्वल टू कितना डिस्टेंस कवर किया और किस स्पीड से किया, तो टाइम मिल जाएगा। स्पीड निकालनी तो कितना डिस्टेंस कवर किया, किस टाइम में किया, तो स्पीड मिल जाएगी। कितने टाइम तक चले और किस स्पीड से चले, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। तो पहला फॉर्मूला तो आप ये कवर कर लीजिए। अच्छा, अब हम लोग एक और चीज़ सीखेंगे, बहुत ही कंडीशनल चीज, इसको समझाएंगे, आप लोग खुद बताना कि क्या होने वाला है सर। अब मैं आपको 3 टाइप की सिचुएशन दे रहा हूं, ठीक है। सिचुएशन नंबर वन, अगर आपको कोई 2 सिचुएशन दी जाए और दोनों सिचुएशन में डिस्टेंस कांस्टेंट हो, क्या कांस्टेंट हो बच्चों, डिस्टेंस इज कांस्टेंट, मतलब मेरा बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, हम बार बार वही डिस्टेंस जा रहे हैं, मतलब कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाए कि एक पर्सन है, मोहन है, वो अपने घर से अगर इस स्पीड में जाएगा तो 10 मिनट लेट स्टेशन पहुंचेगा, ऐसा प्रॉब्लम आता है, और अगर इस स्पीड से जाएगा तो 15 मिनट पहले स्टेशन पहुंच जाएगा। तो एक्चुअली इस पूरे कंसेप्ट में अगर देखा जाए तो क्या चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है और स्पीड चेंज हो रही है, मतलब डिस्टेंस क्या है। तो जब डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे बच्चों, D1 = D2 हो जाएगा दोनों केसेस के लिए, फॉर द फर्स्ट सिचुएशन एज वेल एज सेकेंड सिचुएशन, दैट डिस्टेंस इज कॉन्स्टेंट, डिस्टेंस इज इक्वल। सो कंसेप्ट क्या बनेगा, S1 T1 = इज दिस क्लियर। आपको ये याद रखना है कि हम लोगों को पहली स्पीड मल्टीप्लाई पहला टाइम इक्वल टू दूसरी स्पीड मल्टीप्लाई दूसरा टाइम कर देना है, इज दिस क्लियर एवरीवन। अब सिचुएशन बच्चों हम लोग आपके लिए लेके चलते हैं कौन सा, 2। अब हम लोग कर रहे हैं बेटा स्पीड कॉन्स्टेंट, मतलब ऐसा हो सकता है कि वो डिस्टेंस चेंज कर रहा हूँ और टाइम चेंज कर रहा हूँ कि भाई यहाँ से यहाँ तक उसी स्पीड से गया तो इतने टाइम में पहुँचा, इस डिस्टेंस को उसी स्पीड से गया तो इतने टाइम में पहुंचा, तो क्या सेम हो रहा है डिस्टेंस स्पीड। तो यहां पे बच्चों क्या होने वाला है, D1 / T1 = समझ गए ना बात को,
तो स्पीड सेम है। और अगर थर्ड सिचुएशन बच्चों में ले लूं आपसे, थर्ड सिचुएशन क्या होगी, थर्ड सिचुएशन क्या है बच्चों, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम क्या हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा इस केस में, डी वन अपॉन टाइम इज कॉन्स्टेंट, है ना, मतलब दोनों केसेस में टाइम क्या लग रहा है, सेम लग रहा है। तो क्या हो जाएगा, डी वन अपॉन एस वन इज इक्वल टू डी टू अपॉन एस टू। मुझे लगता नहीं कि ये याद करने की नीड है, अगर आपको एक फॉर्मूला याद है, सिर्फ एक फॉर्मूला, और वो कौन सा होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, तो सब कुछ इसी स्पीड इसी से निकाला गया, ये भी तीनों राइट। दो तरीके के प्रॉब्लम आएंगे, फिर से बोल रहा हूँ, एक प्रॉब्लम डायरेक्ट इन द सेंस इसी तीनों केसेस में कहीं ना कहीं घूमता है हर प्रॉब्लम, हर एक सिंगल प्रॉब्लम, और दूसरा प्रॉब्लम होता है रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट जब मैं आपको बताऊंगा यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में, तो वहाँ पे उसमें आपका प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स भी हो जाएगा, प्रॉब्लम ऑन बोट्स भी हो जाएगा, और नॉर्मल भी होता है। क्या, एक चोर ने एक पुलिस को देखा, चोर इतनी स्पीड से भागा और पुलिस इतनी स्पीड से भागा, तो बताओ दोनों की स्पीड ये थी तो कितने मिनट बाद चोर पकड़ा जाएगा, राइट। अब चोर ज़्यादा फास्ट हुआ तो निकल जाएगा, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता, क्वेश्चन में निकलता नहीं है, पकड़ा जाता है, क्लियर है। बिल्ली ने किसी चूहे को देखा या बिल्ली ने किसी कुत्ते को देखा, कुत्ता ने उसका पीछा किया, इस तरीके के प्रॉब्लम होते हैं रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड। दो ट्रेनें आपस में कितने मिनट में क्रॉस करेगी, ट्रेन पोल को कब क्रॉस करेगी, वो सब रिलेटिव स्पीड का गेम है, क्लियर हो गई बात। अभी जो हम लोग गेम है पूरा इसी सिचुएशन पे करने वाले हैं, बट मैं कुछ एक दो शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको सिखाऊंगा, क्लियर है बात। शुरू किया जाए कहानी बच्चों, रेडी सभी लोग, बता दीजिए फटाफट, रेडी सभी लोग, यस और नो। चलिए अब हम लोग समझाते हैं आपको कहानी। तो आप लोग जानते हैं स्पीड एंड टाइम्स की यूनिट पहले समझ लेते हैं भाई साहब। जो स्पीड है आपका, स्पीड की जो हमारी यूनिट है, और टाइम की कह सकते हो, तो स्पीड की जो यूनिट है वो किलोमीटर पर आवर में भी हो सकती है और मीटर पर सेकेंड में भी हो सकती है, राइट। किलोमीटर पर आवर मतलब हर इतने घंटे में इतने किलोमीटर चलेगा और हर इस सेकेंड में इतने मिनट चलेगा, तो इसका कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए बच्चों। मैंने फॉर्मूला भी प्रूफ कर दिया है, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड बदलना है, कैसे, तरीका बताया, किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, आवर इज इक्वल टू 36 सेकेंड, कैंसिल किया 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसको एक और लॉजिक सिखाते हैं, अगर ये यूनिट बड़ी है कि छोटी है, बड़ी है, बड़ी से अगर छोटे में जाना है, किसी बड़ी चीज को छोटा करना है, तो किसी बहुत छोटे से यानी कि 1 से छोटे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 5/18 1 से छोटा होता है, किसी बड़े नंबर को छोटा करना है तो 1 से छोटे से मल्टीप्लाई कर दो उसमें, तो वो छोटा हो जाएगा, गॉट इट। बड़ी यूनिट से छोटे में जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई, सेम ऑन द अदर हैंड छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है, दैट मीन्स 1 मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो भाई साहब ये क्यों कर रहे हैं, हम आपको बता दें कि सारी की सारी यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे टाइम इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला पढ़े हम लोग अभी, टाइम इज इक्वल टू क्या पढ़े हम लोग, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मान लो बच्चों टाइम निकालना है, स्पीड दी गई है मीटर पर सेकेंड में, डिस्टेंस दी गई किलोमीटर में, तो आंसर कभी नहीं आ पाएगा, आपको सेम यूनिट बदलना पड़ेगा। इसको किसमें बदलना पड़ेगा, मीटर में, ये अगर मीटर पर सेकेंड में है तो आंसर किस में आएगा, सेकेंड्स में, ना कि आवर में, राइट। अगर ये दिया है किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर में, ये दिया है किलोमीटर पर आवर में, तो आंसर किस में आएगा, आवर में। बात समझ रहे हो, सेम होना चाहिए यहाँ पे, जो चीज़ें समझ में आ रही हो आप लोगों को, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम्स पे, मतलब कुछ भी मैंने अभी आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया, सिर्फ करने का अप्रोच बता देंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ये तो बहुत आसान है, आई थिंक सब लोग कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे बस ईजिली, ये तो बहुत आसान है बच्चों। बोलो भाई क्या है, बड़े से छोटे पे जाना है ना, तो 5/5 तो क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर, ऐसे कर लोगे सारे, राइट ना। अगले में हमें कहाँ जाना है बच्चों, अगले में मुझे छोटे से बड़े में जाना है, दैट मीन्स बच्चों अब हमें बड़े से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 15 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15/18/54 क्या आ जाएगा, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया, तो कन्वर्ट कर लोगे आप लोग, यस, गुड इवनिंग एवरीवन भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग भाई, गुजरात से लव दे रहे हो, बहुत बढ़िया, थैंक यू यार, हमारे साइड से भी, रायपुर से आपको लव, छत्तीसगढ़ से लव। चलिए आइए पहला प्रॉब्लम समझते हैं, करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। मोहन गोज टू स्टेशन
विथ 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड, पहले क्वेश्चन समझेंगे सभी लोग फिर सॉल्व करेंगे, कितने स्पीड से जाता है? तो बच्चों वो 10 मिनट लेट पहुंचता है, कितना पहुंचता है? बट अगर वो स्पीड बढ़ा दे 8 किलोमीटर कर दे तो वो 5 मिनट पहले पहुंच जाएगा। तो एक्चुअली डिस्टेंस बतानी है हमें। एक चीज़ तो समझ में आ गया सर कि पहली सिचुएशन की डिस्टेंस और दूसरे की सेम है, पढ़ाया था मैंने अभी। S1 T1 S2 T2 होगा बच्चों के? नहीं होगा, जल्दी बोलो, होगा। S1 मतलब 6 किलोमीटर की स्पीड से अगर चलता है तो टाइम क्या लगता है बच्चों? 10 मिनट लेट, इसका मतलब 10 मिनट ज़्यादा लगता है एक्चुअल टाइम से। मान लिया एक्चुअल टाइम T है तो उससे 10 मिनट ज़्यादा का मतलब यही गलती होती है। स्पीड किस में रखे? किलोमीटर पर आवर में। तो इस 10 मिनट को किस में रखना होगा? आवर में। तो 10/60, समझ गए बात को? इज इक्वल टू दूसरी स्पीड कितनी है बच्चों? 8। टाइम क्या हो जा रहा है? 5 मिनट पहले, मतलब जो एक्चुअल टाइम था उससे पहले ही पहुंच गया बच्चों वो। T-5/60 मल्टीप्लाई कर दो, ये कैंसिल, 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, क्या हो जाएगा? 380 + 30/60, इज दिस क्लियर? यहाँ 40 - 20/60, मैं 60 हटाऊँ ना इसलिए मैंने कैंसिल किया नहीं, राइट? तो आपको समझ आ गया होगा बच्चों टाइम क्या होने वाला है। तो टाइम जो लगने वाला है हमें वो मिल गया, कितना मिल गया जल्दी बोलो? 50/60, इज दिस क्लियर? भाई देखो ये उधर जा, सॉरी, सही है ना? 50/60 टाइम आ गया, मतलब 50 मिनट लग रहे हैं ये पता चल गया हम लोगों को, बट टाइम तो पूछा नहीं है। वो क्या पूछा चाह रहा है आपसे? डिस्टेंस। ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, या सुनो, चाहे इधर वाली डिस्टेंस ले लो चाहे इधर वाली, जो आपका मन करे। आप इधर वाली डिस्टेंस लेना चाहते हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा डिस्टेंस का, जल्दी बोलो? 6 × T मतलब कितना है? T + 10/60 है ना, ये बोलो बच्चों। तो 6 × कितना आ जाएगा? टी कितना था? 50/60 माइनस प्लस 10/60, कितना आ जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा ये, तो क्या आ जाएगा? 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, बात समझ में आ गई? आप बोलो सर मैं इधर रखूँगा, तो आप इधर भी रख सकते हो, कैसे? 8 हो गया बेटा, ये 8 हो गया, इधर कितना हो जाएगा जल्दी बोलो? इधर कितना हो जाएगा बोलो? टी कितना था? 60/ टी हमारा 50/60 माइनस 5/60, कितना आ जाएगा? 8 × 45/ देखो कितना, 6 ही आ रहा होगा कट के, अब 4 से कट कर दो, 4 × 2 = 4 = 15 = 3, समझ रहे हो? कुछ किया नहीं है आपको, ना तो ये स्टेप लिखना है ना ये स्टेप, शुरुआत इस स्टेप से करोगे, या सुनो एग्जाम इसी स्टेप से शुरू करोगे। मैं तो ये बता दिया आपको, इस स्टेप से शुरू करने में आपको टाइम निकालने में कितना समय लगा? कुछ सेकंड्स ही लगेंगे, मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दैट्स वाई आपको लग रहा है टाइम। और इस टाइम को उठा के रखने में, सब्स्टिट्यूट करने में भी कुछ सेकंड ही लगेंगे, यहाँ दिख रहा है आपको। तो 2 से 3 स्टेप में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्लियर हुआ? कोई नए फॉर्मूला नहीं सीखा, सब कुछ क्या किया हम लोगों ने? अपने कंसेप्ट पे काम किया, इज दिस क्लियर? 6 और 8 को कट किया मैंने 2 के टेबल से, 2 × 3 = 6 और 2 × 4 = 8 बेटा, है ना? गुड क्वेश्चन। अब आइए भाई साहब, ये है आपकी शॉर्ट ट्रिक, नोट कर लीजिए, इसको क्वेश्चन बना दिया, बट ये क्या है आपकी शॉर्ट ट्रिक नंबर 1, लिख लीजिए। इस पे अगर बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट आए तो हम सीधा उड़ा देंगे, समझते हैं क्या है। कोई पर्सन अगर 1 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है और वापस 2 किलोमीटर से आ रहा है, और टोटल जो उसे टाइम लग रहा है आने जाने में वो कितना लग रहा है? टी आवर लग रहा है। तो बेटा डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी? पहली स्पीड इंटू दूसरी स्पीड अपॉन में दोनों का सम और लगा हुआ टोटल टाइम। कंसेप्ट नोट कर लीजिए, ये कंसेप्ट होती है, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। समझ आ गई होगी बात, फिर से बता दूं, सेम डिस्टेंस अगर कोई जा रहा है, सेम डिस्टेंस चल रहा है, राइट, जितना जाने में समय लगेगा और आने में समय लगेगा, टोटल टाइम निकाल लो, निकाल लिया, दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई अपॉन में दोनों स्पीड का, तो क्या कहलाएगा ये? डिस्टेंस कहलाएगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? समझ आ गया? एक बार रिप्लाई करते जाइए जल्दी जल्दी सभी लोग, एक बार रिप्लाई करते जाइए, शेयर करते जाइए भाई इसको, सेशन को। क्या हाँ यार, एसी ऑन कर लो यार, तुम लोग की नहीं हो,
रिमोट कहाँ है? आगे बड़े बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? ओके, नो प्रॉब्लम. देयर इज अ सजेशन फ्रॉम वन स्टूडेंट्स कि वी मस्ट कंसीडर द स्टूडेंट्स, दे आर नॉन हिंदी, राइट? दैट मीन्स वी हैव टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश ऑल्सो, राइट? ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल ट्राई. ओके, फ्रॉम नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल ट्राई डेफिनेटली. सो दिस इज द शॉर्ट ट्रिक. ओके, गॉट इट? चलिए बच्चों, सो दिस इज द, ओके, ठीक, लिख दिया उसने, मैं वही बता दिया, समझ गए हो गया आप लोग? वही है, सेम, इट इज सेम शॉर्ट ट्रिक. एस वन एस टू पॉन एस वन प्लस एस टू सम ऑफ टाइम इन बोथ वेज, राइट? टोटल जो टाइम लग रहा है वो. चलिए सॉल्व करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को. कैसे करेंगे बच्चों? रिप्लाई करें, फास्ट रिप्लाई करें. अ मैन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन 25 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बैक एट 4 किलोमीटर पर आवर. गया किससे बच्चों? 25 से. आया किससे? 4 से. टोटल टाइम कितना लगा? इतना. क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. 25 इंटू 4, दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का सम, इज दिस क्लियर? ये कितना हो जाएगा? टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 5 इंटू या 5 प्लस, ऐसे लिख लो, 48/60. थोड़ा रुके रहिएगा, 100/29 कितना हो जाएगा बच्चों? ये कट कर दो इसको, 4 किस कट जाएगा ना, 12 5 जाए, 29/5 ना, निपट गया आंसर 20 किलोमीटर. कंसेप्ट समझ में आ गया? इज दिस क्लियर एवरीवन? समझ आया कि नहीं आया? रिप्लाई करिए यस और नो. क्लियर हुआ? सेम डिस्टेंस है, सेम, राइट? सेम डिस्टेंस जा रहा है, वापस आ रहा है, टोटल टाइम दिया गया है. अगर इस प्रॉब्लम को हम इस शॉर्ट ट्रिक से ना बनाएं, नॉर्मल बनाने की कोशिश करें, तो क्या करेंगे बच्चों? भूल गए अगर आप शॉर्ट ट्रिक, वैसे भूलना नहीं है क्योंकि मैं बहुत कम ही शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जो आप याद ईजिली याद कर सकें. भाई 25 से गया तो दोनों में क्या उसे लग रहा है? टाइम एक्स्ट्रा दिया गया ना, ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं इसको. पहला टाइम प्लस दूसरा टाइम, पहले बार में जाने में लगा टाइम. कंसेप्ट समझिए ध्यान से, मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ, एक्चुअल मेथड बता रहा हूँ सॉल्यूशन, ठीक है? पहली बार जाने में लगा टाइम प्लस दूसरी बार जाने में लगा टाइम इक्वल टू, ये बात सबको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, ऐसा मत सोचना कि कैसे करेंगे. पहली बार जाने में लगा टाइम प्लस दूसरी बार जाने में लगा टाइम, यही होगा. पहली बार जाने में लगा टाइम क्या होगा? कितने बच्चों को समझ आया? डी बाई 25, बट डिस्टेंस डी, स्पीड 25. दूसरी बार जाने में लगा टाइम, डिस्टेंस डी, स्पीड 4. देखते जाना, आप कहोगे सर वही निकल के आ गया जो था, पूछो कैसे. सॉल्व करेंगे डी कॉमन, क्या ऊपर अगर डी कॉमन ले ले तो ये 5+4 होने वाला है ऊपर, बोलो 4+5 होने वाला है, नीचे 4 × 4 = 25 होने वाला है, इक्वल टू 5 × 60 होने वाला है, और यहाँ से अगर डी करेंगे तो यही होने वाला है. डी निकालना है ऊपर डिस्टेंस, सो क्या होने वाला है? वही होने वाला है जो सर्वे की आपने. क्या तो शॉर्ट ट्रिक भी कहीं आसमान से उतर के नहीं आती, वो भी कहाँ से आती है? कंसेप्ट से ही आती है ना बच्चों, प्लस है ना. कितने बच्चों को समझ आया बच्चों? कैंसिल हो जाएगा 29 से 29, आंसर आ गया 20. ध्यान से देखो, यही तो शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान से देखो बच्चों. दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई अपॉन दोनों सम मल्टीप्लाई बाय दिस. तो शॉर्ट ट्रिक्स ऐसा नहीं होता कहीं से भी आ जाती, शॉर्ट ट्रिक्स भी कंसेप्ट से आती है. इफ यू नो कंसेप्ट, हो सकता है आपको 10-15 सेकंड ज़्यादा लगे, बट गलत कभी नहीं होगा, राइट? क्लियर हुई बात? समझ में आ गया सभी को? इज दिस क्लियर एवरीवन? सो द राइट आंसर इज 20. मूविंग नेक्स्ट, आप लोग रिप्लाई करेंगे, कमेंट करेंगे फटाफट, जल्दी से पानी दे दो मुझे लो. ओ सुहाग है भाई, प्रैक्टिस है, गगर चलता लगता है. इसको सॉल्व करेंगे सभी लोग. अ बॉय गोज टू स्कूल 3 km/h से स्कूल जा रहा है और वापस 2 km से आ रहा है, 5 घंटे ले रहा है. आ गया आंसर? अरे आ गया होगा आंसर यार, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भाई साहब. गया 2 से आया 3 से ना, गया कोई बात नहीं, गया 3 से आया 2 से अपॉन 3+2,
टाइम 5 आंसर 6 कंप्लीट। कुछ सेकंड्स में क्वेश्चन खत्म। क्लियर हुआ बात, समझ आ रही है? मैं फिर से करूं इसमें अगर वही प्रॉब्लम तो कैसे होगा सॉल्व? पहले में लगा टाइम, जाने में लगा टाइम इज इक्वल टू 5, डी अपॉन 3 प्लस डी अपॉन 2 इज इक्वल टू 5, डी कॉमन 2 प्लस 3 अपॉन 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 5, डी इज इक्वल टू 6 बाई 5 इंटू 5, आंसर 6। इसमें भी समय नहीं लगेगा अगर आप पैटर्न समझ पाओ तो, ठीक है, बिकॉज दोनों टाइम का क्या दिया गया आपको, एडिशन दिया गया है। सो टाइम फॉर गोइंग टाइम फॉर रिटर्निंग इज इक्वल टू, अप्लाई कर देंगे, कंसेप्ट क्लियर। मूविंग नेक्स्ट, आ जाइए बच्चों अगली शॉर्ट ट्रिक आगे दी है क्या, चलो आगे लिख लीजिए शॉर्ट ट्रिक, है ना, यही क्वेश्चन बना दिया यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, तो इसको कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब क्या सिचुएशन है, कोई पर्सन S1 स्पीड से T1 टाइम ले रहा है, S2 स्पीड से किसी जगह जाने में कितना टाइम ले रहा है, T2 टाइम ले रहा है, ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा, दोनों के टाइम का डिफरेंस और दोनों के स्पीड का मल्टीप्लाई अपॉन में स्पीड का डिफरेंस आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात, दोनों के स्पीड का मल्टीप्लाई अपॉन में स्पीड का डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस दिया, अगर दोनों अलग अलग टाइम दे दिए, दोनों क्या दे दिए बच्चों, अलग अलग टाइम दे दिए, क्लियर, और इनटू में क्या टाइम का डिफरेंस, ये बात सबको समझ में आ गई, बोलो क्लियर, कंसेप्ट क्लियर कि नहीं। आ जाओ पहले क्वेश्चन पे, पहला क्वेश्चन पे मैंने शॉर्ट ट्रिक इसलिए नहीं बताई थी, पहले थोड़ा तो समझ लो यार, शुरुआत करते तो कहते लोग कि सर शॉर्ट ट्रिक से ही शुरू किए और शॉर्ट ट्रिक पे क्या कर दिए खत्म। बोलो बनेगा, आप कहोगे सर नहीं बनेगा, मैं कहूँगा बनेगा, देखो कैसे बनेगा शॉर्ट ट्रिक से। इस स्पीड से जा रहा था, ज़्यादा टाइम ले रहा था, मैं ऐसा कहूँगा कि पहली स्पीड से गया 6, टाइम लिया टी प्लस 10 ना, दूसरी स्पीड से गया 5, 8, टाइम कितना लिया बच्चों, टी माइनस, चलो मुझे एक चीज़ बताओ, क्या कंसेप्ट बताया अभी हमने, डिस्टेंस का फॉर्मूला डायरेक्ट बताया ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ, क्या हो जाएगा 6 × 8 अपॉन में 2 दोनों का डिफरेंस, और दोनों के टाइम का, ये तो कट जाएगा ना बच्चों, 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, माइनस करोगे ना 15 मिनट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्लियर है ना, कितना हो जाएगा 4, 24, और ये कितना हो जाएगा 1/4, 6, खत्म क्वेश्चन। तो इस तरीके की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, राइट, मतलब दो तरीके के प्रॉब्लम मैंने बता दिए, क्या कुछ स्पीड से कुछ टाइम ले रहा है, कुछ स्पीड से कुछ और टाइम ले रहा है, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगी, आप समझ गए, क्लियर है, टाइम पूछ लेता तो डिस्टेंस तो आ ही गई है बच्चों, स्पीड दी गई है, कहीं पे भी रख देना टाइम मिल जाएगा, क्लियर हुई बात, एक्चुअल टाइम निकाल ले सकते हो, एक्चुअली एक्चुअल टाइम कितना लगेगा। दूसरी बात, एक और क्या बताई थी मैंने अभी, कि टोटल टाइम अगर दे दे, अगर अलग अलग टाइम दे दे तो डिफरेंस वाला टाइम का, टोटल टाइम दे दे तो सम वाला, दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई, दोनों स्पीड का एडिशन मल्टीप्लाई में, खत्म, बोलो खत्म, चलो बस हो गया यार, यही है स्पीड टाइम स्पीड डिस्टेंस, इसी पे प्रॉब्लम रहेंगे, थोड़े बड़े बड़े प्रॉब्लम करा देता हूँ एक दो अच्छे, ये हो गया क्या, बनाइए भाई साहब, एक मैन ट्रेवल करते, ये तो हो गया ना शायद, ये वाला, ये भी हो गया, ये भी हो गया, इसको बनाएंगे सभी लोग, फटाक से आंसर देंगे, फटाक से, फटाफट फटाफट जल्दी से आंसर दरे करेंगे सभी बच्चे। बोलिए बच्चों क्या आंसर आएगा, आ गया होगा आंसर, है ना, क्या करेंगे भाई, उड़ा देंगे बस, करना क्या है, उड़ाना है। ऑफिस से घर जा रहा था, घर से ऑफिस, घर से ऑफिस 30 किलोमीटर की स्पीड से ना, 10 मिनट क्या लगा बेटा, ज़्यादा आपको लिखना नहीं, टी प्लस 10 वगैरह 10 मिनट, तो 30 × 40 अपॉन में डिफरेंस 10, और टाइम कितना बेटा, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5, 15, अच्छा मिनट है ना, तो आवर कर देना, 1/4 कर देना, 30 किलोमीटर है भाई सब डिस्टेंस,
उसके घर की डिस्टेंस 30 किलोमीटर है। क्लियर हो गई बात, समझ आ गई बात, आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल बढ़ा जाए आगे बच्चों। इस क्वेश्चन को उड़ा दीजिए, एकदम उड़ा दीजिए, फटाक से उड़ाइए। चलिए 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 जल्दी करिए। कल आप लोगों को एक कह सकते हैं कोर्स लॉन्च कर रहे हैं हम लोग CVET के लिए, तो जो बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी बार बार, सर CVET के लिए स्पेशली कोर्स लॉन्च कर दीजिए, तो कल एक कोर्स लॉन्च करेंगे CVET के लिए शाम को 7 बजे, आप सभी लोग लाइव जुड़ें। हाँ, ऑफलाइन लेक्चर ऐड हो जाएगा यूट्यूब पे, डोंट वरी, ऑफलाइन ऐड हो जाएगा यूट्यूब पे। तुमने जो बोला मैंने पढ़ दिया उसको, सर वीडियो यूट्यूब पर ऑफलाइन ऐड होगा ना? हाँ बच्चों बिल्कुल हो जाएगा बेटा, है ना, यूट्यूब पे ऑफलाइन ऐड, यस यस, आफ्टर लाइव वीडियो विल बी अवेलेबल, है ना, नो प्रॉब्लम। आ गया आंसर बेटा, यार पहले दिन वो गया कितने की स्पीड से, 2.5K से, तो 6 मिनट लेट हो गया बेचारा। स्पीड को वन उसने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया ना, वन इंक्रीज का मतलब 3.5 कर दिया, नो प्रॉब्लम यार, 2.5 इंटू 3.5 डिफरेंस कितना है, 1, डिफरेंस बने ना बच्चों, तो टाइम कितना है जल्दी बोलो, पहले 6 मिनट लेट हुआ था, अगली बार क्या हो गया, 6 मिनट पहले पहुंच गया, यानी कि 12 by 60, दिस क्लियर बच्चों, ये 5 times, ये 2 times, 1.75 है ना, 7/4 आंसर हो जाएगा। कितने बच्चों को समझ आया, फिर से बताऊं, 2.5 से गया था, 2.5 से गया, 6 मिनट लेट पहुंचा बेचारा, डांट पड़ी उसकी, अगली बार उसने स्पीड बढ़ा दी कितनी, 1 किलोमीटर, ये साइकिल से चल रहा लगता है ना, 1 किलोमीटर की स्पीड बढ़ा दी उसने अगली बार से, तब 2.5 से कितनी स्पीड हो गई उसकी, 3.5, तो पहली स्पीड 2.5, दूसरी 3.5, दोनों का डिफरेंस 1, टाइम में डिफरेंस कैसे होगा बेटा, आप जान ही रहो, पहले 6 मिनट लेट पहुंचा था, 6 मिनट पहले पहुंच गया, तो 12 हो गया, 6 मिनट टाइम से आ गए, 6 मिनट टाइम के पहले, दोनों का डिफरेंस 12 को क्या लिखेंगे आवर में, 12/60, ये कैंसिल, 1/5 times, ये कैंसिल 2 times, इसे बोलेंगे 7/2, 2 है तो 7/4, समझ आया, क्लियर हुई बातें, तो भाई टफ तो नहीं है, टाइम स्पीड डिस्टेंस बन रहा है, बनाते जाइए, सब बनेगा, कुछ नहीं बचेगा। अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, मैं एक चीज़ फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप भूल गए इसको शॉर्ट ट्रिक, तो सिखा दिया ना कंसेप्ट, टाइम कॉन्स्टेंट डिस्टेंस, उन तीन से कभी कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, कोई भी कैसा भी क्वेश्चन दे देना। अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम अ स्कूटर एंड ही ट्रेवल 3 किलोमीटर पर आवर, ही फास्टर, ही वुड हैव टेकन 40 मिनट लेस, मतलब समझो लॉजिक का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज बदला है, कह रहा है एक मैन है वो किसी डिस्टेंस को कवर करता है स्कूटर से, अगर वो 3 किलोमीटर पर आवर ही होगा शायद ना, पर आवर फास्टर, ही वुड हैव टेकन, अगर वो 3 किलोमीटर फास्ट चले अपने स्पीड से, मतलब अगर नॉर्मल स्पीड को वो क्या कर दे, S+3 कर दे बेटा, तो टाइम कितना ले रहा जल्दी बोलो, T-40, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही सभी को, टाइम स्पीड को अगर वो क्या कर दे, S+3 कर दे, तो T-40 ले रहा है ना, अगली बार स्पीड को 2 किलोमीटर पर आवर क्या कर दे, कम कर दे, मतलब अगली स्पीड कितनी कर रहा है, S-2 कर रहा है ना बेटा, तो टाइम कितना लग रहा है उसे, तो 40 मिनट लेट हो जा रहा है, ये सिचुएशन दी गई है, फाइंड डिस्टेंस करना है, कैसे करेंगे, दोनों की स्पीड में डिफरेंस तो समझ में आ रहा है तुमको, बट मल्टीप्लाई कैसे करोगे ब्रो, बोलो बोलो बोलो। देखो एक चीज़ बहुत ही सिंपल सी बात, ऐसी तो है, कुछ भी हो सकता है ना स्पीड, जो मान चाहो वो ले सकते हो तुम, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे भी देख सकते हो, क्या दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, S-2 S-S+3 ना, अपॉन में कितना हो जाएगा, 5 ना बच्चों, इनटू में दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 80/60, बट ये S के टर्म्स में आ जाएगा डिस्टेंस, है ना, कवर अ सर्टेन डिस्टेंस स्कूटर ही ट्रैवल, कोई भी स्पीड मान सकते हैं हम लोग क्या, कि नहीं, शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगी क्या, इस पे करनी चाहिए, स्पीड को 2 किलोमीटर इंक्रीज करके वो पहुंच जाता है इतने टाइम में,
डिस्टेंस बतानी है, कोई बात नहीं, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं उसके साथ, किसके साथ, एक्चुअल मेथड के साथ हो जाएगा ये। स्कूटर से जाता है तो 3 किलोमीटर से कुछ क्वेश्चन मिस्टेक तो नहीं है, 3 किलोमीटर जब बढ़ा देता है स्पीड को, स्पीड का डिफरेंस तो क्लियर है 5 आ जाएगा, बट स्पीड का मल्टीप्लाई कैसे करोगे ब्रो? स्पीड को मान लो मैं 5 मान लेता हूँ एक्चुअल स्पीड से, कुछ फर्क पड़ेगा क्या वैसे उससे? आंसर देखना पड़ेगा, 5 अगर मान ले तो 3 हो जाएगा, ये 9, आंसर तो बदलेगा ना बार बार। एक काम करते हैं, क्या किया जाए, एक्चुअल मेथड से करेंगे ना, शॉर्ट ट्रिक अभी हम समझ नहीं पा रहे कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग, है ना, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन में हम लोग एक्चुअल मेथड ही लगा देते हैं ना। क्या बोला गया, दोनों का डिस्टेंस क्या है बच्चों, सेम, यस और नो? तो पहले की स्पीड क्या हो जाएगी हमारे पास, बोलिए, एस प्लस 3, क्लियर ना बच्चों? टाइम कितना लग रहा है जल्दी बोलिए, एस 3 किलोमीटर बढ़ा देता है स्पीड, टाइम कितना लगता है बच्चों, 40/60, इधर कितना हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, एस प्लस एस माइनस 2 ना बेटा, एस माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ कितना टाइम हो जाएगा जल्दी बोलिए, टी प्लस 40/60, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ एस टी हो जाएगा, क्लियर लॉजिक, प्लस 3t हो जाएगा, माइनस का 4 कितना हो जाएगा ये, और 2/3 टाइम्स ऑफ एस, राइट, इक्वल टू, यहाँ एस टी हो जाएगा, माइनस 2t हो जाएगा बच्चों, बोलो क्लियर है, इधर कितना हो जाएगा, प्लस कितना, 2/3 टाइम्स ऑफ एस, राइट, माइनस का 4/3, आप देखिए बहुत इजीली आप एस टी से एस टी कैंसिल कर देंगे, कौन सा टाइम छूट गया यहाँ पे, हाँ एक टाइम और यहाँ पे, कितना 2/3 करोगे तो 2 आएगा ना, राइट ना, 6/3 या जो भी लगना, 2 आएगा ना, 2, इसको सॉल्व करिए जल्दी से, निकालिए टाइम, तो 5t क्या आ जाएगा हमारे पास, 5t इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा, टी और एस में इस क्वेश्चन निकालिए हमारी, निकालिए फटाफट, टी और एस में क्वेश्चन निकालिए, निकला, बोलो, यहां पे आपको ना उससे कंपेयर करना पड़ेगा, मुझे लगता है एक्चुअल टाइम से कंपेयर करना पड़ेगा एक बार, मतलब यहां पे भी आपकी क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, मतलब आप एक काम करिए, मतलब यहां पे समझिए यहां पे दिक्कत क्या हो रही है, क्योंकि हमारे पास स्पीड है नहीं एक्चुअली, तो आप क्या करिए, एक स्पीड लेट करिए, मान लो आपने पहली स्पीड मान ली एस और टाइम क्या मान लिया टी, ये आपने एक्चुअल मान लिया, राइट, अब आपके एक 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 सिचुएशन क्या मिल जाएगी, एस प्लस 3 और टाइम क्या हो जाएगा टी माइनस, एक सिचुएशन इसे लेके चलिए, एक सिचुएशन फिर लीजिए किसके साथ, इसी के साथ, इसको एस मानिए, इसको टी मानिए, यहाँ क्या हो जाएगा एस माइनस 2, इधर क्या हो जाएगा, ये बात कितने बच्चों को समझ आई जल्दी बताइए, ऐसा कर सकते हैं ना, अभी हम लोग क्या कर रहे थे इन्हीं दोनों सिचुएशन को, बट एक्चुअली हम लोगों का जब ऐसी अननोन है तो राइट कैसे आंसर आएगा, हम दूसरे वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कर नहीं रहे, एस अननोन है, टी भी हमारे पास अननोन है, तो हम लोग कर नहीं सकते इसको प्रॉब्लम, हम लोग इसके साथ चलते हैं, अगर हम इस सिचुएशन को शॉर्ट ट्रिक से ही बना दो भले ही, तुम कैसे, दोनों की स्पीड का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एस इंटू जल्दी बोलो एस प्लस 3 ना बेटा, अपॉन में कितना आ जाएगा जल्दी बोलिए, डिफरेंस कितना है 3, और टाइम में डिफरेंस कितना है दोनों के, ये डिस्टेंस आएगी कि नहीं आएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बताओ कितना आ रहा है, डी कितना आ रहा है, कितना आ जाएगा बच्चों, एस एस प्लस, चलो एस प्लस 3 लिखा दो, अपॉन में कितना आ जाएगा 2/3, यानी कि 2/9 ना, ये आ गया ना, अब दूसरी सिचुएशन में आ जाइए, दूसरी सिचुएशन को सॉल्व करिए, क्या आ जाएगा एस इंटू एस माइनस 2 इंटू एस हो जाएगा ना, अपॉन में 2 हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस अभी भी कितनी है
कितना आ जाएगा यहाँ से डिस्टेंस, जल्दी बोलिए, दूसरी सिचुएशन से एस एस माइनस टू आगे, ये भी कैंसिल होगा ना, टू बाई थ्री बच्चों, बाई थ्री आ जाएगा ना ओनली दोनों, अगर एस इन दोनों को कंपेयर कर दूँ मैं, इन दोनों को डिस्टेंस तो सेम है ना, तो टू एस एस प्लस थ्री अपॉन में नाइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस एस माइनस टू अपॉन में थ्री। अच्छा क्वेश्चन है ना, एस एस कैंसिल, ये थ्री टाइम्स कैंसिल बच्चों, क्लियर। क्या आ जाएगा फाइनली, टू एस प्लस सिक्स इक्वल टू थ्री एस माइनस सिक्स, सो एस का वैल्यू 12 आ गया। मतलब यही चाहिए था मुझे, ये जो दिक्कत दे रहा था ना वो निकाल दिया, स्पीड निकाल दी ना, अब आप रख लीजिए कहीं पे भी, यही प्रॉब्लम दे रहा था मैंने ना, आप किसी से भी कर लीजिए। अब 12 हो जाएगा, अगला कितना हो जाएगा 15, बोलो बच्चों डिफरेंस कितना रहेगा 3, दोनों में डिफरेंस कितना है 3 का है ना भाई, 12 पता चल गया, यही तो पता करना था जो दिक्कत दे रहा था अपन को। तो अपन आप किसी भी केस में लगा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, इनटू में कितना हो जाएगा ये 40/60, आंसर क्या आ जाएगा डिस्टेंस का, जल्दी बोलिए बच्चों, 12 × 15 / 3 इनटू में 2/3। सो आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, क्या आने वाला है, जल्दी बोलो बच्चों, कितना आ रहा है, 3 × 5 = 3 / 4 = 40 विल बी द राइट आंसर। भाई प्रॉब्लम समझने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे पास स्पीड थी ही नहीं एक्चुअली, है ना, स्पीड जब तक अननोन है तो कंपेयर किससे करेंगे, एक्चुअल से कर देंगे। तो हमने एक एक्चुअल ले लिया, एक्चुअल स्पीड एक्चुअल टाइम, एक केस इसके साथ लगाया, बोलो लग जाएगा, आप अगर एक क्वेश्चन से बनाना चाहोगे तो एक क्वेश्चन से बना लेना, एक केस इसके साथ लगाया बच्चों, क्लियर हुआ। तो क्या मिल गया, स्पीड मिल गया, इस क्वेश्चन में स्पीड भी पूछ सकता था वो, क्लियर हुआ लॉजिक, समझ आ गया सभी को। समझ में आ गया, हाँ इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं बिल्कुल, है ना, तो थोड़ा अलग प्रॉब्लम था, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, एक पर्सन सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम हिज कार, ही हैड 6 किलोमीटर फास्टर एंड टेक 4 आवर लेस टाइम, 6 किलोमीटर स्लोअर और टाइम 6 आवर फास्टर, डिस्टेंस निकालना है, करें सेम पैटर्न पे बनेगा भाई, ट्राई करेंगे सेम पैटर्न पे। आपको पहले स्पीड निकालनी होगी, स्पीड निकालनी होगी बच्चों आपको पहले, हो गया, देखिए क्या करना है, समझिए समझिए बच्चों कैसे करेंगे, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे आपको दोनों से भाई दो सिचुएशन ले ले रहा हूँ मैं, ठीक है, पहली सिचुएशन में एस स्पीड मान लिया, ध्यान से देखना इधर, और स्पीड कितना है, और अगली बार क्या कर रहा है वो 6 किलोमीटर फास्टर, एस प्लस सिक्स, डिफरेंस कितने का 6 का, टाइम में कितने का डिफरेंस 4 आवर का, इज इक्वल टू, ये भी तो डिस्टेंस होगी, दूसरी डिस्टेंस से कंपेयर कर देते हैं। अब क्या कर दिया उसने, स्लोअर, एस इंटू डिफरेंस कितने का 6 का, ज़्यादा टाइम कितना लग रहा है 6, तो क्या कट गया, एस से एस, 6 से 6 कट गया ना, कितना आएगा 4s + 24 = कितना हो जाएगा बच्चों बोलो, 6s - 36, तो बेटा 2s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, एस कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर बराबर, बोलो आ गया ना 60 हो रहा ना ये, अब x 30 आ गया, अब इस 30 को चाहे इसमें रख देना, ए भी डिस्टेंस है हमारी, चाहे इसमें रख देना ए भी डिस्टेंस है, बोलो बच्चों दोनों डिस्टेंस ही तो है एक प्रकार की, अब डिस्टेंस क्या हो जाएगी बताओ, 30 × 36 / 6 × 4 = 6, कितना आ रहा है 720। समझ में आया लॉजिक, यहाँ पे दो वेरिएबल अननोन थे इसलिए हम लोग एक्चुअल को लेके चल रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज हुआ, मतलब एकदम हल्का स्लाइटली, हमें यहाँ पे दो सिचुएशन को कंपैरिजन करके पहले स्पीड को फाइंड आउट करना पड़ेगा, व्हाट इज द स्पीड एक्चुअली, राइट, क्लियर हुई बच्चों, और स्पीड निकल आई तो डिस्टेंस तो आपका निकल ही आएगा। अगला प्रॉब्लम, महाराज सीईटी का डेट शीट आगे बढ़ने के चांसेस नहीं है क्योंकि उसने अभी रिव्यूट करके नया बना के भेजा है यार, है ना, क्या दिया है देखो बेटा, इफ ही इंक्रीजेज हिज स्पीड 10 एक अब हो जाएगा क्या, फर्दर इंक्रीजेज मतलब एस प्लस 20 लेना होगा दूसरे केस में, राइट, अरे क्लियर नहीं क्लियर बोलो, हो जाएगा करके बताऊं भाई, एक्चुअल एस लिया,
एस प्लस टेन किया, टेन का डिफरेंस आया, टाइम का कितना डिफरेंस आया, एक घंटे पहले, राइट ना। अगली बार बच्चों एस के साथ फर्दर टेन और इंक्रीज कर दी, दैट मीन्स एस प्लस ट्वेंटी कर दी ना बेटा उसने, डिफरेंस कितने का हो गया अब इसके साथ, ट्वेंटी का, और इसमें कितने का डिफरेंस आया, एंड ही टेक्स फर्दर 45 मिनट लेसर टाइम, मतलब 45 मिनट और चेक इट, और कम ना इससे भी, और डिफरेंस अब और बढ़ जाएगा ना हमारा, वन आवर 45 मिनट हो जाएगा ना, इज दिस क्लियर। एस से एस ये कितने बार, टू टाइम्स, एस प्लस टेन इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, एस प्लस ट्वेंटी अपॉन में टू इंटू, ये कितना हो जाएगा, थ्री बाय फोर ना, सही है ना बेटा, सेवन बाय फोर, राइट। चलो सॉल्व करते हैं इसको, एट इधर आ जाएगा, एट एस प्लस एटी हो जाएगा ना, सेवन एस प्लस वन फोर्टी हो जाएगा बच्चों, एस इक्वल टू सिक्सटी आ जाएगा ना, स्पीड पता चल गई 60 किलोमीटर पर आवर, रख दो किसी में भी, इस वाले पर रख देते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए, 60 इंटू 70 अपॉन 10 इंटू 1, 420 किलोमीटर जाना था भाई साहब उसको। ये ना बहुत लेवल की प्रॉब्लम्स हैं, मतलब इस लेवल की प्रॉब्लम आएगी भी नहीं, ठीक है, समझ गए बात को बच्चों, ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ध्यान से, बहुत अच्छे से आपके सॉल्व हो जाएंगे सारे प्रॉब्लम्स। अगला प्रॉब्लम करेंगे, ये और अच्छा क्वेश्चन है भाई, आप देखिए भाई, बैड वेदर आ गया, चाबी है, वो कंफर्म नहीं होता यार उस चीज का, दे दो मुझे चाबी, लाओ, कहाँ है तुम्हारी, तो ठीक है हम कॉल करेंगे घर से, बुलाना पड़ेगा तुम्हें, जाओ, चलिए बच्चों अगला प्रॉब्लम करेंगे, जल्दी करें सभी लोग। किसी फ्लाइट में 600 किलोमीटर, बढ़िया बढ़िया बनाइए आप लोग, बनाइए सभी लोग बनाइए, ठीक है सभी लोग बनाइए, और आप लोग फटाफट अप्लाई करिए, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों ऑनलाइन वाले, और कहाँ कहाँ से हैं आप लोग, अपनी सिटी का नाम भी मैसेज करिए, आप सभी लोग सॉल्व करिए, आप लोग अपनी सिटी का नाम मैसेज करिए बच्चों, चंबल, चंबल सही था है, मलखान अलखान हमारे यहाँ ही चलते तो क्यों मैम, बस मुश्किल से, कोई महाराष्ट्र, एमपी, उड़ीसा, नागपुर सारे ही हैं मतलब लगभग में, ठीक है बेटा। चलिए तो प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं आया भाई, ये बताओ समझ में आया, प्रॉब्लम ये था बेटा, एक फ्लाइट है जो 600 किलोमीटर की स्पीड से ट्यू टू बैक, सॉरी फ्लाइट 600 किलोमीटर ऑफ एंड, ओके 600 किलोमीटर की एक स्पीड थी हमारे पास, मतलब डिस्टेंस था राइट, एक फ्लाइट को 600 किलोमीटर कवर करना था, गॉट इट, 600 किलोमीटर का करना था, कवर कर रहा था, बट मौसम ख़राब मिल गया बेटा उसको, तो उसको अपनी स्पीड 200 किलोमीटर, जो भी स्पीड हो उसकी नो प्रॉब्लम है ना, ओरिजिनल स्पीड एस थी, उसको क्या कर दिया उसने 200 कम कर दिया, ओरिजिनल स्पीड को क्या कर दिया, कम कर दिया, तो ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लगेगा उसको,
तो टाइम उसका क्या हो गया? पहले टाइम उसको टी लग रहा था, अब टाइम क्या लगेगा? जल्दी बोलो, टी प्लस वन बाई टू ना। इज दिस क्लियर एवरीवन? कुछ नहीं भाई साहब, अभी आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला तो पढ़ा ही मैंने, क्या होता है फॉर्मूला डायरेक्ट बताओ। एस इंटू एस माइनस 200, दोनों में डिफरेंस कितने का? 200 का। टाइम में डिफरेंस कितने का? 1/2 का। इज दिस क्लियर? इसकी वैल्यू यहाँ पे दे रखी है भाई साहब ने कि पहले ही कितना 600। अब वो आपसे कोशिश कर रहा है कि आप ये बता दें कि ये 2 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24। या एक काम करो यार, सीधा सॉल्व करो इसको ना, क्या एस रख दिया जाए इसमें कि आंसर आ जाएगा सेटिस्फाई। भाई देखो, आप सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक बनेगी एस स्क्वायर में, है ना? क्वाड्रेटिक बनेगी बनेगी, तो क्वाड्रेटिक बनाने से बेटर ऑप्शन रख के देखते हैं। देखो 400 रखते हैं, ध्यान से देखना, 4 अगर 100 रखेंगे यहाँ पे तो ये 400 से 400 कैंसिल तो 200 आएगा, तो 400 तो आंसर नहीं है। 600 रखते हैं, ध्यान से देखना, 600 रखते हैं, 600 ही हो जाएगा, 400 ही कैंसिल हो जाएगा, 6 सही है ना, हो गया खत्म। 600 स्पीड है बच्चों, बोलो क्लियर ना? नहीं है समझ? बाकी भी रख के देख लेना, नहीं आएगा। अगला प्रॉब्लम, अ ट्रेन वॉज लेट 6 मिनट। देखिए बच्चों, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। एक ट्रेन 6 मिनट लेट हो गई, ड्राइवर ने इंक्रीज कर दी स्पीड, कितने से? 4 से। नेक्स्ट स्टेशन पे, एट द नेक्स्ट स्टेशन जो कि 36 किलोमीटर अवे दूर है उसका, द ट्रेन रीच ऑन टाइम, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड। थोड़ा लॉजिक से बनाएंगे तो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, समझना बात को। इस जगह पे ट्रेन हमारी क्या हो गई, किसी भी रीजन से क्या हो गई, लेट हो गई। कितने मिनट लेट हो गई? 6 मिनट लेट हो गई, राइट? मतलब यहाँ पे जो स्पीड, यहाँ पे जो टाइम, मतलब कह सकते हो 6 मिनट लेट चल रही थी यहाँ पे जो भी स्पीड थी उसकी, राइट? तो ड्राइवर ने क्या किया, कितना डिस्टेंस है हमारे पास, इस 36 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए उसने क्या किया बेटा, उसको कि टाइम पे पहुंच पाए 4 किलोमीटर की स्पीड बढ़ा दी, है ना? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, कैसे? डिस्टेंस तो दे दी आपको, है ना? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, मान लो एस थी बेटा, उसको कितना इंक्रीज कर दिया उसने, 4 इंक्रीज कर दिया, डिफरेंस कितने का आएगा, 4 का। और टाइम पर बेटा कितना कितना डिफरेंस है टाइम का, 6 मिनट का डिफरेंस था, वही कवर किया होगा भाई उसने। भाई लेट ही तो कवर करेगी, तभी तो ऑन टाइम चलने लगेगी। भाई जो पीछे उसने 6 मिनट पीछे उसने लॉस कर दिया, उसको स्पीड उसने जब इंक्रीज करेगा तो इतनी इंक्रीज करेगा कि वो लॉस्ट टाइम कवर हो जाए बस उसका। तो लॉस्ट टाइम तो 6 मिनट का ही है बच्चों, तो 6/60 बोले इसको हम लोग। डिस्टेंस दी गई है कितनी, एस इंटू एस प्लस 4, ये 10 हो जाएगा बेटा, ये 40 हो जाएगा बच्चों। तो यार ये 36 इंटू 40 हो जाए, ऐसा एस क्या रखा जाए, तो समझ में आ रहा है, ऐसे ही 36 ही रखा जाए। बोलो बच्चों, ऐसे अगर 36 रख दें तो 36 इंटू 36 440, सो ऑप्शन सी। आ रही बात समझ में? क्लियर हो रही है बातें? नहीं लग रहा ना, 1 मिनट से ज़्यादा किसी में, 1 मिनट का मतलब 10-20 सेकंड लगेंगे, क्योंकि आप दे सकते हो बहुत आसानी से। अगला प्रॉब्लम समझते हैं। किसी इन कन्वर्ट, क्या लिखा, अ सर्टेन डिस्टेंस स्पीड ए टू बी, ओके कोई बात, कवरिंग होगा या कन्वर्टिंग नहीं होगा, कन्वर्टिंग ही है, हमारे टाइपर्स लोग हैं भाई, ये कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने कवरिंग को क्या कर दिया, कवरिंग को कन्वर्ट कर दिया कन्वर्टिंग में, देख रहे हो तुम, कवरिंग इज कन्वर्टेड इनटू कन्वर्टिंग। इन कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस स्पीड ऑफ ए एंड बी इज रेशियो 3 और 4। मतलब बच्चों, ए का जो स्पीड था वो 3s था और जो बी का स्पीड था वो कितना था बेटा, 4s। एक चीज बता दो, टाइम का रेशियो बता पाओगे मुझे क्या होगा? हमेशा याद रखना, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, जितनी स्पीड ज़्यादा उतना टाइम कम, जितना टाइम ज़्यादा उतनी स्पीड। अगर इतना स्पीड है, ये स्पीड है अगर बच्चों, तो टाइम का रेशियो हम आपको बता देते हैं, टाइम का रेशियो आएगा 40/, ये तो आप ऐसे ही लिख ही लो, समझ गए बात को, ये तो ऐसे ही लिख लो, मतलब लिख लो, एक नोट करके लिख लो, इंपॉर्टेंट कि स्पीड इज कन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड टाइम इज कन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड।
हाँ बेटा आपसे डेली लाइव हुआ करेगा, है ना, 7:30 बजे, 7:30 से 8 बजे के आसपास डेली लाइव हुआ करेगा, ठीक है। चलो कुछ ना कुछ आपको जरूर पढ़ाएंगे, कुछ बात बताएंगे, ज्ञान की कोई बात बताई जाएगी, कभी कभी चर्चा करेंगे एग्जाम पे, कभी किसी कोर्स के बारे में बताया जाएगा, बट डेली 7:30 से 8 के बीच में लाइव हो गई होगा आपसे, है ना। आपके मन में कोई भी डाउट आ रहा है पूछ सकते हो इस लाइव सेशन में आके, है ना। अब आगे क्या बोलने वाला था इस क्वेश्चन में, इट टेक्स 30 मिनट्स मोर टू रीच द डेस्टिनेशन, मतलब इसने बोल दिया है यार इनका डिफरेंस टी इज इक्वल टू 30 है, इज दिस क्लियर। तो टी आ गया हाफ, बोलो बच्चों, टी अगर हाफ है तो ये 2 आवर ले रहा होगा, ये 3/2 आवर ले रहा होगा, इज दिस क्लियर। क्या पूछा उसने आपसे, 2 घंटे खत्म हो गया, 2 आवर खत्म, टाटा फिस, कुछ नहीं किया। बात समझ में आई कि फिर से बताऊं, बताइए सुभदीप, आप बताइए, फिर से बता दूं। हाँ बिल्कुल भाई, समझने वाली बात तो है ही यार। ए और बी दो लोगों को एक डेस्टिनेशन कवर करने के लिए जो अपनी स्पीड रखनी पड़ी, जो स्पीड रखनी पड़ी उसका जो रेशियो है ए का एंड बी का, ऐसे लिख लो इसको, छोड़ो इसको, मैं ऐसे नहीं बताऊंगा। एक इस एक ए है और एक कौन है, बी, तो दोनों की जो स्पीड का रेशियो था बच्चों ध्यान से देखना वो कितना दिया है, 3:4, इज दिस क्लियर। तो बच्चों टाइम का जो रेशियो होगा वो कंफर्म है 4:3 हो जाएगा, इस बात को तो आप ऐसे ही लिख लो, मैंने नोट भी कराया आपको, शॉर्ट ट्रिक नंबर 4:3 भी लिख सकते हो उसको तुम, है ना, कि टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड एंड स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, अगर इतना स्पीड इतना तो ये आ जाएगा, राइट, ये बात क्लियर है। अब अगर मैं अगर कभी भी रेशियो को ब्रेक करूं तो मैं इसके लिए 4t बोल सकता हूं ना, इसके लिए मैं 3t बोल सकता हूं। अगर आपने टाइम एंड वर्क का चैप्टर नहीं देखा तो देख के आइए, उसमें मैंने ये सब समझाया हुआ है अच्छे से, इसको 4t टाइम लग रहा होगा, इसको 3t टाइम लग रहा होगा, इज दिस क्लियर, क्लियर ना बच्चों, क्लियर बोलो, क्लियर क्लियर क्लियर। दोनों के डिफरेंस में देखो क्या बोला उसने कि ए टेक्स 30 मिनट्स मोर, ए ज़्यादा लेता है कितना, 30 मिनट्स, किससे, बी से, मतलब अगर ए के टाइम में से बी के टाइम को माइनस कर दें को क्या 30 मिनट आएगा, तो क्या टाइम की वैल्यू 30 मिनट हो गई। आप टाइम मत सोचो, इसको तुम के भी ले सकते हो ना, बट टी ले लिया मैंने, है ना। सो आपको समझ में आ गया टी क्या हो गया, हाफ आवर है ना, इस हाफ आवर को रख दो तो ये कितना टाइम लेगा, ए कितना टाइम लेगा बच्चों, 2 आवर लेगा, और ये कितना लेगा, 3/2 आवर लेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, समझ में आ गया बच्चों, सो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, है ना, आई होप। और टाइम भी हमारा होने वाला है, मतलब अब देखते हैं कितना क्या बचा है मैसेज में, हो गया हो गया हो गया हो गया, ये हो गया ना, बस 2 क्वेश्चन बचे बच्चों, फिर हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव स्पीड, है ना, रिलेटिव स्पीड इन द सेंस जब 2 ऑब्जेक्ट्स एक साथ मूविंग कंडीशन में आ जाए उसे बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, 2 ऑब्जेक्ट्स एक साथ किसमें आ जाए, मूविंग कंडीशन में, चाहे सेम डायरेक्शन में चाहे अपोजिट में, इसको सीखेंगे हम लोग, है ना। इफ अ पर्सन वॉक्स एट 14 किलोमीटर पर आवर इंस्टीड 10 किलोमीटर पर आवर, कहते एक पर्सन है 14 की जगह पे 10 पे चलने लगा, मतलब स्पीड को कितना कम कर लिया उसने, 4 किलोमीटर, तो कह रहे हैं उसने कितना ज़्यादा कर लिया, क्या बोलना चाह रहे हैं, ही वुड हैव वॉक्ड 20 किलोमीटर मोर, तो उसे 20 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ेगा, क्लियर लॉजिक, 20 किलोमीटर क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा एक्चुअल डिस्टेंस पूछी है उससे, कैसे बोला जाए इसको, ओके देखो समझिए, समझने की थोड़ा कोशिश करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। S1 14 है, मतलब 14 से अगर वो चलता तो टाइम कितना लगता, जल्दी बोलो, मान लो टाइम लगता T, समझना ध्यान से, S1 से चलता तो टाइम कितना लगता T, S2 मतलब कितना कर लिया उसने, अब 10 कर लिया स्पीड, टाइम क्या हो रहा है अभी हमें नहीं पता, हमने मान लिया T2, यहाँ हमने टाइम T1 माना था, यहाँ पे टाइम क्या मान लिया हमने T2, ध्यान से समझना, उसने टाइम नहीं दिया,
उसने कहा उसे ज़्यादा चलना पड़ा, मतलब इन दोनों के डिफरेंस को डिफरेंस इन टाइम निकाला जा सकता है। देखो कैसे, ध्यान से देखना बस, डिफरेंस इन टाइम निकाला जा सकता है। पूछो कैसे, मतलब उसे ज़्यादा चलना पड़ा, कितना 20 किलोमीटर, तो जो टाइम उसका वेस्ट हुआ वो कितना हुआ 20 किलोमीटर 10 की स्पीड से। बोलो बच्चों, हाँ 2 आवर, कितने बच्चों को समझ में आ गया, फिर से बताऊँ, क्लियर हुआ। S1 स्पीड 14 थी, 14 से चलता तो नॉर्मल टाइम टी में पहुंच जाता, वो टी टाइम में पहुंच जाता अपना, T1 टाइम में। अब उसने स्पीड अपनी डाउन कर दी, कितनी कर दी 10 कर दी, तो उसको 20 किलोमीटर और चलना पड़ा, मतलब उसको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ा ना, क्या बड़ा 10 से 14 किलोमीटर पर आज, फिर प्रॉब्लम कैसे होगा यार, है ही वुड हैव वॉक्ड 20 किलोमीटर, हाँ 10 किलोमीटर से, मतलब इतनी स्पीड चल रहा था, टाइम कांस्टेंट कर दो, ऐसे कर देते हैं ना, ठीक है ऐसा कर सकते हैं, सही बोल रहे हैं। देखो मतलब ये 10 की जगह पे 14 चलने लगा, एक्चुअली ये बोलना चाह रहा है ना, मतलब 10 चल रहा था 14 चलने लगा, राइट। तो मान लिया जब 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, तो मान लो वो D1 डिस्टेंस चलता, D डिस्टेंस, अब वो कितने की स्पीड से चलने लगा बेटा, 14 से चलने लगा, तो बेटा उसे कितना चलना पड़ा, D+20 चलना पड़ा, राइट, क्लियर। तो यहाँ पे एक्चुअली टाइम कांस्टेंट हो गया, राइट। तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए, टाइम इज इक्वल टू T1 = T2 कर दीजिए, तो टाइम क्या होता है, फॉर्मूला जल्दी बोलिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो D/10 इक्वल टू D+20/14, तो 14D इक्वल टू 10D+200, तो 4D इक्वल टू 200, D का वैल्यू 50 आ जाएगा बच्चों। पूछा क्या एक्चुअल डिस्टेंस कितनी होगी पर्सन की, तो 50, एक्चुअल 50 थी भाई, अगर 14 से चलता तो 50 चल जाता, सॉरी 10 से चलता तो 50 चलना था, बट 14 से चला तो कितना पहुंच गया, ज़्यादा चलना पड़ेगा क्योंकि टाइम दोनों उतना ही है उसको, उतने टाइम चलना ही है उसको, क्लियर भाई। ऐसा कब हो सकता है, जब टाइम फिक्स हो ना भाई, स्पीड बढ़ी उसकी तो, बोलो क्लियर हुआ, ये बात सबको समझ में आई, जल्दी बताइए, सिल क्लियर हुआ ना एक बार, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया ना सबको, बहुत बढ़िया, अच्छा प्रॉब्लम था, ठीक है। लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ये लास्ट प्रॉब्लम है, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, ध्यान से देखिए, स्टॉपेजेस हटा दीजिए, स्पीड ऑफ बस इज 15 किलोमीटर एंड इंक्लूडेड स्टॉपेजेस इज 45 किलोमीटर, फॉर हाउ मेनी मिनट्स बस स्टॉपेज पर आवर, टाइप ही क्वेश्चन यार, ये कुछ नहीं है, ज्यादा लिखने की कोशिश करते हैं लोग, तो ये नहीं है ना, मेरी बात समझ में आ गई बच्चों। अगर बस रुक रुक के चलती है तो उसकी जो एवरेज स्पीड निकल के आती है वो कितनी आती है, कितना एक्सक्लूडिंग, मतलब अगर वो हटा दे तो 54 से चलना चाहिए उसको, जिस टाइम में वो पहुंच जाती है, राइट। बट अगर स्टॉपेजेस को क्या कर दें, वो इंक्लूड कर लें, तो उसकी स्पीड 45 ही निकल के आ पाती है, तो कितने मिनट रुका एक्चुअली, उसने कितना टाइम दिया, फटाक से सॉल्व करेंगे, जल्दी सॉल्व करिए बच्चों, बहुत ही प्यारा सा प्रॉब्लम है बच्चों, फटाफट आंसर करेंगे। हमें यह बताना था बच्चों, ध्यान से देखिए, कि उसकी जो एक्चुअल स्पीड कितनी है बच्चों, जल्दी बताइए, 54 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या है, ये एक्चुअल स्पीड, मतलब अगर कहीं नहीं रुकती है तो एक्चुअल स्पीड कितने से चलेगी,
एक स्टॉपेज से एक स्टॉपेज तक आने में, मतलब यहाँ से मान लो ये ए है, ए टू बी आ रही कोई बस, अगर वो कहीं नहीं रुकेगी तो 54 की स्पीड से आ जाएगी, राइट। मतलब जो भी उसका एक आइडियल टाइम रखा गया है, एक आइडियल डिस्टेंस में 54 की स्पीड से आ जाएगी। बट यार स्टॉपेजेस के कारण, ड्यू टू स्टॉपेजेस, राइट, ध्यान समझना, स्टॉपेजेस के कारण उसकी जो स्पीड हो गई वो कितनी होगी, 45 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर ध्यान से देखें तो स्टॉपेजेस के कारण उसने अपनी एक आवर में कितनी स्पीड लॉस की, लॉस इन स्पीड पर आवर ड्यू टू स्टॉपेजेस, जल्दी बोले कितनी स्पीड लॉस कर देगा, 54 माइनस 45, 9 किलोमीटर पर आवर। मतलब हर एक किलोमीटर में, एक घंटे में वो कितनी स्पीड लॉस करता जाएगा, 9 करेगा ना। तो टोटल उसकी अगर मैं भाई, अगर इतनी स्पीड है मान लो, और टाइम मान लो एक ही मान लेते, एक घंटा टाइम मान लिया हमने 1 आवर, हम इसको टाइम क्या फिक्स कर दिए बच्चों, 1 आवर, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 54 डिस्टेंस हो गया ना, बट एक्चुअल डिस्टेंस अगर एक घंटा मान लिया तो 54 किलोमीटर जाना था उसको, हर घंटे पे कितना, हर एक किलोमीटर के लिए कितना घंटे लॉस कर रहा है, 9 कम हो रही है। मतलब अगर मैं बात करूं तो कितने टाइम रुकेगी वो, हाउ मेनी मिनट्स पूछा ना, मिनट्स पूछा ना उसने, तो अगर मैं टाइम फॉर स्टॉपेज पूछ लूं तो आप समझ गए होगे आंसर क्या आने वाला है, 9/54 यानी कि 1/6 आवर। इन 1 आवर कितना हो जाएगा, इन मिनट्स कितना हो जाएगा, ये 10 मिनट रुकी होगी बस, पूरी जर्नी में जो बस रुकी वो कितनी रुकी बच्चों, 10 मिनट्स। क्लियर हुआ, समझ में आई कि नहीं बच्चों बात, बहुत सिंपल सा है, आप ऐसे समझने की कोशिश करें, हमने 1 आवर में कितना चलना था, 54, बट वो चल कितना पाया स्टॉपेजेस के कारण, भाई 45 होगी तो एक घंटे में 45 ही आ पाया होगा ना, एप्रो गया होगा बेचारा आके, अगर ध्यान से देखा जाए तो कितना, 9 किलोमीटर वो कम चल पा रहा है एक घंटे में, एक घंटे में कितना कम चल पा रहा है, 9 किलोमीटर। मतलब जो टाइम उसे 9 किलोमीटर चलने में लगना चाहिए था, 9 किलोमीटर कवर करने में जो उसे टाइम लगना चाहिए था वो टाइम उसने स्टॉपेज पे दे दिया, भाई टाइम स्टॉपेज पे कितना दिया होगा, जितने में वो 9 किलोमीटर चल जाता, तो 9 किलोमीटर कितने में चल जाता बच्चों, वो भाई टाइम ही तो निकालना है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो कितने में, 1/6 घंटे, मतलब 10 मिनट में। बात समझ में आई कि अभी भी क्लियर नहीं हुआ, 1 घंटे हमने टाइम फिक्स कर दिया, यहाँ से यहाँ तक उसे 54 किलोमीटर कवर करना था मान लो 54 आवर में, राइट, 54 आवर की स्पीड से। अब हुआ क्या, उसकी स्पीड हो गई 45, तो इसका मतलब क्या हुआ, लॉजिक सिर्फ इसका लॉजिक बताइए क्या हुआ, एक घंटे में उसकी स्पीड जो कम हुई वो कितनी हो गई, 9 किलोमीटर पर आवर, राइट। मतलब वो अब एक घंटे में 9 किलोमीटर कम चल रहा है, हर एक घंटे में 9 किलोमीटर कम चल रहा है, तो एक्चुअली वो कितना जो कम चल रहा है वो अपना किस पे टाइम वेस्ट कर रहा है, वो स्टॉपेजेस पे वेस्ट कर रहा है, तो स्टॉपेजेस में कितनी देर रुका होगा, जितनी देर में वो 9 किलोमीटर कवर कर लिया होता तो कितनी देर में कर लिया होता, तो भाई एक्चुअल स्पीड तो 54 है ना, तो 9/54 1/6 घंटे में, मतलब आंसर आ जाएगा 10 मिनट। समझ में आ गई बच्चों बात, तो कैसा लगा है सेशन कमेंट करके जरूर बताएं, इसको शेयर करें। लगभग में जो मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस के प्रॉब्लम जैसे भी आते हैं एग्जाम में, आप देख लीजिएगा निम्चर्ट का पेपर ओपन करके, सारे कवर कर दिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा एवरेज स्पीड एज वेल एज रिलेटिव स्पीड। एवरेज स्पीड बहुत सिंपल है, टोटल टाइम अपॉन में टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है और टोटल टाइम कितना लगा कहलाता है एवरेज स्पीड। क्लियर बात। और दूसरा होगा हमारा क्या, रिलेटिव स्पीड, हाँ वो कह सकते हैं, एसपी वाला फॉर्मूला लगता है उसमें सीधा, ठीक है। और रिलेटिव स्पीड आएगा हमारा जो इसमें हम लोग प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स और प्रॉब्लम ऑन बोट्स देखेंगे, जो कि अब हमारा शायद होली बाद ही हो पाएगा पॉसिबल, ठीक है, तो कोई बात नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और अगर किसी भी बच्चे को जो 23 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है,
प्रीमियम टेस्ट सीरीज, बुक्स, जो भी आप लेना चाहें कोर्सेस एक्मे के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। 24 के स्टूडेंट्स भी किसी भी प्रकार के कोर्स के साथ एक्मे के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। आप बुक भी ले सकते हैं, प्रीमियम टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स, ऑफलाइन कोर्स, हर तरीके की चीज़ें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपका टारगेट है, आपका लक्ष्य फिक्स है कि मुझे NIT जाना है और वहाँ से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स MCA करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो डेफिनेटली आप टारगेट रखें और अपना कह सकते एक प्रॉपर प्लान के साथ काम करें। अगर आप 24 के लिए हैं, 25 के लिए हैं, तो टाइम अभी आपके पास काफ़ी है। प्लान करें, नीचे दिए हुए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।